हाय क्यूटीज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल याशिका the helper. कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई एम आल्सो डूइंग वेल टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सो इफ यू लव द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड एज वेल एज सब्सक्राइब माय चैनल सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो हेलो एवरीवन सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.9 ठीक है इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा डियर डियर ये एक्सरसाइज जितने भी आपने अभी तक एक्सरसाइज किए ना पार्शर फ्रैक्शन सब्सिट्यूशन मेथड या फिर हमारा हो गया लिमिट एज जितने भी हमने अभी तक मेथड्स किए ना ट्रिगो भी किया था उन सबसे सबसे ही इजी एक्सरसाइज है ये वाली ठीक है इसमें आपको कुछ नहीं करना ठीक है बस आपको जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है देखो आइए कुछ हम फर्स्ट देखते हैं वाईजिकल्स टू इंटीग्रेशन दस अपर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स स्क्स की इंटीग्रेशन एक्स वन एंड माइनस वन अब इस पूरे ही फॉर्म में फर्स्ट आपको वन रखना है देन फिर माइनस वन रखना है ठीक है माइनस वन का स्क्वायर वन बाय टू माइनस वन एंड देन आंसर आ जाएगा आपका टोटली टू ठीक है कुछ भी नहीं है डियर बहुत ही इजी क्वेश्चन आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन बाय वन बायरिवेटिव होता है लॉग एक्स ठीक है तो लॉग एक्स थ्री टू पहले एक्स की जगह टूट थ्री पुट कर देंगे देन टू पुट कर देंगे लॉग थ्री माइनस लॉग टू अब आपको आइडेंटिटी पता है लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन लॉग बी लॉग ए अपॉन लॉग बी ठीक है? है ना काफी इजी डियर सो so, देखो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन एंड टू एंड हमें इंटीग्रेशन किसका लेना है काफी इजी क्वेश्चन है जैसे कि आपने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन में इंटीग्रेशन किया था ना सेम कर देंगे पहले एक्स क्यूब का क्या होता है x की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ठीक है फोर हम साइड में लिखेंगे फोर एक्स की पावर बाय फोर बाय फोर माइनस फाइव सेम हेयर एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सेम हेयर इंटीग्रेशन एक्स ठीक है कैंसिल आउट हो जाएगा फोर से फोर ठीक है टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स ओके एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स पावर थ्री बाय थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्स नाइन एक्स अब डियर देखो अब यहाँ पे आप, आप, आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो ठीक है वन एक्स की जगह पहले टू पुट करना है देन माइनस करके वन पुट करना है बहुत ही ईजी है देखो टू पुट कर दिया जहां जहां एक्स है देन माइनस लगा दिया और फिर उसके बाद वन पुट कर दिया उसके बाद ये जब आप खुद कैलकुलेशन करोगे प्लस ट्वेल्व जो प्लस प्लस के पहले उन्हें प्लस कर लो प्लस का कौन सा है ट्वेल्व एंड एटीन एंड सिक्स इन तीनों को प्लस कर दिया देन फोर्टी बाय थ्री ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन माइनस फाइव बाई थ्री देन इनका एल्सियम ले लो ठीक है उसके बाद प्लस प्लस की फिर देख लो फोर्टी सिक्स प्लस का है एंड फाइव बाय थ्री प्लस का है इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों मतलब आपको ये एलसीएम के थ्रू सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा डियर 64 फोर बाय थ्री ओके आई होप आपको समझ में आया हो कुछ मैं फोर देखते हैं डियर इक्वल टू जीरो टू

2, ले लेंगे आपके पास क्या बचेगा बच्चे 2X. है, X की पहले, की होती है? जीरो, जीरो की वैल्यू क्या होती है माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन इजिकल्स टू वन बाई टू ठीक है आई होप आपको ये भी क्लियर रहा हो डियर आइए कुछ फिफ्थ देखते हैं y इज टू इंटीग्रेशन पाए बाय टू जीरो सेम क्वेश्चन है डियर अब कॉस है साइन ले लेंगे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टू एक्स अगेन टू का डेरिवेटिव इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन डीनोमिनेटर में आ जाता है ठीक है वन बाय टू कॉमन कौ, ले लेंगे एक्स की जगह पाई बाय टू रखेंगे देन माइनस करके साइन जीरो रखेंगे पाए बाय टू की वैल्यू जीरो साइन जीरो की जीरो 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 जीरो, जीरो, जीरो आंसर विल बी कम जीरो ओके क्वेश्चन सिक्स है वाईज टू इंटीग्रेशन फोर एंड फाइव ई की पावर एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर e की पावर x ही होता है तो e की पावर x 5 बाय फोर पहले e की पावर 5 माइनस e की पावर 4 e की पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे देन e माइनस वन वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है डियर आइए आइए डियर क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं

कॉस जीरो अब कॉस फाइव बाय फोर की वैल्यू क्या होती है प्लस की क्या होती है वन ठीक है उसके बाद माइनस लॉग वन बाय रूट टू अब यहाँ पे एक लॉजिक देखो डियर आपने शायद ना पढ़ा हो या फिर किसी को पता हो तो ठीक है बट लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो लॉग वन जीरो की वैल्यू होती है वन लॉग वन हंड्रेड की वैल्यू होती है टू लॉग वन थाउजेंड की वैल्यू होती है थ्री ठीक है आई होप ये आप पैटर्न समझ रहे समझियो ठीक है उसके बाद यहाँ पे लॉक वन की वैल्यू हो जाएगी जीरो उसके बाद अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है आप यहाँ पे भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हो क्वेश्चन को बट अगर आपको एनसीआरटी से मैच करना है देन आप माइनस आप ये भी कर सकते हो ये वाली जो रूट टू है इसको टू की पावर टू लिख के न्यूमिनेटर में पहुंचा के एंड देन बी बी लॉक ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे यहाँ पे हाफ लॉक टू ठीक है, आई होप आपको डीएरी क्लियर रहा हो चलिए क्वेश्चन हमारे एट देखते हैं वाई जीकल्स टू पाई बाई फोर टू पाई बाय सिक्स अप्लाई करनी है लिमिट कॉसेक एस कॉशेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स पाए बाय फोर टू पाई बाय सिक्स ठीक है वाइजिकल्स टू लॉग कॉसेक एक्स एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाव बाई फोर पहले पाई बाय फोर पुट कर देंगे इसमें पूरे उसमें कॉट एक्स में भी कॉसेक एक्स में भी देन माइनस लॉग कॉशेक पा बायस कॉट पाई बाय एक्स ठीक है पाई कॉशेकोर की वैल्यू क्या होती है रूट टू कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है वन ये आपको ट्रिगोमेंट्री में आपको आपने काफी वैल्यूज पढ़ी है डियर आपको याद होगी आई होप उसके बाद कॉस फाइव बाई की क्या है टू कॉट पाई बाय सिक्स की रूट थ्री ठीक है अब यहाँ पे आपने वो पढ़ी है लॉग प्रॉपर्टी ए माइनस बी लॉग ए अपॉन बी ठीक है ये तो आपने पढ़ी है ना डियर तो हर उसमें आ रहा है तो लॉग ए माइनस बी लॉग ए अपॉन बी डेट्स क्लियर क्वेश्चन नाइन देख लीजिए वाईज टू इंटीग्रेशन वन टू जीरो इंटीग्रेशन होता है वन माइनस एक्स स्क् डियर ध्यान दो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का होता है ये इजीली देन वन जीरो पहले वन रख देंगे जीरो रख देंगे साइन वन क्या होता है पा 2 साइन जीरो क्या होता है जीरो इजकल्स टू पा बाई टू आंसर ठीक है कुछ टेन देख लीजिए डियर वाई इज इकल्स टू इंटीग्रेशन वन टू जीरो है वन अपॉन वन प्लस एक्सक्र ये किसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स का तो फर्स्ट क्या करना है पहले वन पुट कर दो दोन जीरो दो, माइनस लगा के टेन वन का क्या, क्या होता है वैल्यू पा बायोर टेन जीरो की क्या वैल्यू तो जीरो इज इकल्स टू पाए बाय फोर ओके आई होप डियर ये आपको एक्सरसाइज क्लियर रही हो इस एक्सरसाइज में बस आपको ना जो लिमिट्स है वो अप्लाई करनी सिखाई गई है बस ठीक है ओके डियर सो हमारी वीडियो यही फिनिश होती है एंड एक्सरसाइज सेवन पॉइंट नाइन इज ऑल्सो हियर फिनिश सो डियर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं के साथ इफ यू लव द वीडियो वीडियो देन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड अगर कुछ भी आपको डाउट है डियर देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना डियर थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टे सेफ स्टे होम